करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। और नहीं सर, मैं एक प्लीज प्लीज बोल दिया ना सबको बोल दिया सर। नो हम लोग तो बोलते हैं, बीजेपी लोग जब करते हैं आप लोग कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं? एक मिनट, क्यों नहीं? एक आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टरबेंस कर रहे हैं। प्लीज अभिषेक जी एक मिनट, एक मिनट अभिषेक जी एक मिनट। मैंने सभी माननीय सदस्यों को आप डायरेक्शन देंगे या मुझे? नो प्लीज बैठिए प्लीज। माननीय ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे माननीय सदस्य मेज मत थपाइए। जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। अभिषेक जी मैं एक चीज सर स्पष्ट करता हूं, ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन सर, यू आर द स्पीकर, यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। नो सर, एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के, ए बड़े जंतु, हमी हाथ जंतु, हमी हाथ बड़े, प्लीज 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 आग्रह करता हूं, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं सर, उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, इस सदन का गरीबा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। मैं प्लीज प्लीज आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए, उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मांगे। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते, मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। सर डी फॉर डिप्राइव, यू स्पेंड 2,000 crore ऑन रिवैम्पिंग सेंट्रल विस्टा, यू डिड दिस टू इम्प्रूव द होम्स ऑफ द रिच, इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल। वॉट हैव यू डन फॉर द होमलेस इन द सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस? वॉट हैव यू, वाई हैव यू डिप्राइव द होमलेस अक्रॉस इंडिया एंड बंगाल? यू आर नॉट ओनली विजनलेस एंड शेमलेस, यू आर नॉट। एक मिनट सर, ही इज नॉट इवन लिसनिंग टू यू। अब क्यों डिस्टर्ब? मैं बाद में आपकी बात सुन लूंगा सर, ही आपकी बात सुन लूंगा सर। सो नहीं नहीं सब निकाल देंगे प्लीज, सर निकाल देंगे उसको भी। सर ये तो आपका बात भी नहीं सुन रहे। बोलो डिप्राइविंग रूरल पुअर, मोदी जी की तीसरी बार गरीबों के ऊपर लगातार अत्याचार। सर ओवर द पास्ट डिकेड द बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड इट्स बांग्ला विरोधी स्टैंड्स अबंडेंटली क्लियर बाय डेलिबरेटली डिप्राइविंग पीपल एंड अब्यूजिंग पावर टू सप्रेस बंगाल्स वॉइस। दे हैव मेड एन एरे ऑफ हॉलो प्रोमिसेस, डिसरेस्पेक्टेड बंगाल्स कल्चर एंड हैच्ड कंटिन्यूअस कॉन्स्पिरसीज टू टार्निश द स्टेट्स इमेज। फेलिंग टू फाइट अस पॉलिटिकली, you declared an all out war on our rural poor, depriving them of roti, kapda and makan. Sir honorable finance minister gave a statement today in Rajya Sabha saying that Bengal has failed to implement the scheme that central has aided in the last 10 years. Sir I challenge the honorable finance minister if she can release the white paper of how many dime, penny or rupees the central government has given to Bengal after its embarrassing defeat in the West Bengal legislative elections in 2021. Sir, in the last 3 years, let me put this on record, and sir, main kuch bolunga wo sahi ho sakta hai, aap uske tippani karenge wo sahi ho sakta hai, galat ho sakta hai. Sir, kagaz to jhoot nahi kehta hai, main bas itna keh raha hu ki 2021 mein aapne Bengal mein haarne ke baad आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया, और आवास योजना में
2021-22, 2022-23 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा, सर देखिए मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूँ, ये चिल्ला रहे, अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, चिल्ला रहे, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है, ये बीजेपी है। आप बीच बीच में मत टोकिए। सर मनरेगा फंड्स टू द ट्यून ऑफ 6,913 करोड़ हैव बीन फोर्सफुली विथहेल्ड, डिनाइंग वेजेस टू मोर देन 59 लाख वर्कर्स ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। सर 11,36,000 एलिजिबल फैमिलीज हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ अ रूफ ओवर देयर हेड्स एज 8,140 करोड़ रुपीज अंडर पीएम आवास योजना हैव बीन डिलिबरेटली हॉल्टेड। सर विथहेल्ड द गवर्नमेंट विथहेल्ड द रिलीज ऑफ ओवर 800 करोड़ अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन ड्यू टू नॉन कंप्लायंस एंड सर्टेन कलर ब्रांडिंग गाइडलाइंस फॉर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स डिस्पाइट अदर कंडीशंस बीइंग ड्यूली मेट। सर डिस्पाइट 334 सेंट्रल एंड एनएलएम टीम्स विजिटिंग वेस्ट बंगाल इन द लास्ट 3 ईयर्स एंड एटीआर्स बीइंग सबमिटेड ऑन टाइम बाय कंसर्न डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट एवरी ऑब्जर्वेशन दैट वॉज मेड बाय द सेंटर, स्टिल नो फंड्स हैव बीन रिलीज्ड। ऑफिशियल इंटरेक्शंस विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर बीजेपी मिनिस्टर्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट were met with dismissive attitude and constant rejection. Our leaders fighting for the people of Bengal were even detained in Delhi by Delhi police. Even women MPs were manhandled and dragged by their hair. And this BJP talks about Nadi Shakti. So the finance minister yesterday in a speech proposed flood control initiatives for states like Bihar, Assam, Himachal Pradesh, Sikkim, and Uttarakhand, sir. Unsurprisingly, Bengal was once again left out in spite of northern part of Bengal being one of the most worst flood affected areas. Despite 6 out of 8 MPs from PCs that falls under the northern part of Bengal being from BJP, this is the kind of discrimination meted out to our state. I hope people of Jalpaiguri and Alipurduar are watching this and listening to what I'm saying. The finance minister, as long as we stand as people's representative, the rights of Bengal's people cannot be taken away. The state government of West Bengal has already cleared the pending wages of 59 lakh Manrega workers from its own treasury. It has also been decided that the first installment of funds for the construction of houses shall be released by 31st December 2024, which is by end of this year. In 2022 and 2023, under the Pothoshri scheme, 26,486 kilometers of rural roads were constructed and repaired, and a financial outlay of 6,448 crore. Sir, depriving women, वंचित हो रहे देश की नारी, खुले घूम रहे शोषणकारी। यू हैव 240 MPs इन पार्लियामेंट। इफ यू हैड इंप्लीमेंटेड द 1/3 कोटा एज पर द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, द बीजेपी वुड हैव हैड 80 वुमेन MPs। बट हाउ मेनी डू दे हैव जस्ट 31, विच इज अ मियर 13% ऑफ देयर टोटल स्ट्रेंथ। एंड कंपेयर दिस टू द तृणमूल कांग्रेस सर, which boasts not 1%, 5%, 10%, 13%, 15%, 20%, 25%. Sir, it has 38% women MPs in Lok Sabha. Last year, a special session was convened to pass the Women's Reservation Bill. Yet the BJP failed to implement it in spirit. In West Bengal, we demonstrated that where there's a will, there is a way. We achieved substantial female representation without grandstanding in the media. That's the difference. Sir, this government is depriving the students. Teesri baar Modi sarkar kho gaya hai shiksha ka adhikar. Sir, the inability to conduct NEET
is one of the biggest failures of this government. Shame, shame. Jeopardizing the future of almost 33 lakh bright students. India parties, we all of us in the opposition, demanded a discussion on this in Parliament, but hardly a word from the Honorable Prime Minister on this issue. Sir, our CM wrote to the PM for scraping NEET in favor of reverting to a system where state government conducts their own medical tests. Sir, more than 12,000 vacancies in Kendriya Vidyalayas nationwide are yet to be filled in. Sir, more than 7,50,000 vacancies for teaching posts nationwide from class 1 to class 8. More than 1,20,000 vacancies for teaching posts in UP alone from class 1 to class 8. Students account for 8% of total suicide victims. More than 13,000 students' lives are lost every year because of suicide, sir. Sir, depriving the working class, depriving the working class, mazdoor ki jeb ho rahi hai khali, batao kab ye halat hai sudharne wali. Sir, ILO data reveals that the growth rate of real wages between 2006 and 2013 was 6%. So the data suggests that the growth rate of real wages from 2006 to 2013 was at 6%. Between 2014 to 2021, it's down to 1.4%. The Indian Railways made a bold proclamation about upgrading 40,000 conventional coaches to Vande Bharat standards, turning a blind eye to the genuine struggle faced by everyday travelers, neglecting the fact that almost 96% of passengers journey in general and non-AC coaches. They continue to endure grave risks and vulnerabilities compounded by this government's sheer ineptitude. So now I come to G. G for guarantee. But a guarantee, but a, sir, khud bol raha hai, uska sarkar ka ghotala, sir, dekhiye. Sir, thank you. I would take that acronym. He's very good. Sir, G for guarantee, G for ghotala. Need ghotala and a guarantee with zero warranty. Sir, PM announced demonetization and guaranteed black money. Bhaiya, kitna self goal doge? Hara diya tha to ek baar. Kitna self goal doge? Dete raho. आपको ही डांट पड़ेगी. PM announced demonetization and guaranteed that black money would be wiped out. Sir, he failed. Sir, why I say guarantee with zero warranty? Why I say guarantee with zero warranty? Because PM announced demonetization. He said black money will be wiped out. Sir, this government failed. 99% of the black money came back into circulation and is in the system now. Sir, he guaranteed that terrorism would be curbed. Again failed. There has been 26 terror attacks in Jammu and Kashmir in the last 6 months. Sir, guaranteed to create 25 crore jobs in 2014. Failed. In 2023, the government admitted that in the last 10 years, only 1 crore jobs were created. Sir, guaranteed everyone will have a house. The Prime Minister himself said that everyone, every Indian will have a roof over their head. Everyone will have a house by 2022. The Finance Minister proposed the construction of an additional 3 crore houses under PM Awas Yojana. Yet no mention has been made of 11,36,000 houses in Bengal that are still awaiting central funds. While the same money is being allocated to purchase aircraft worth 8,000 crore and construct palatial buildings as a part of Central Vista project worth 20,000 crores. And the poor people of this country still endure homelessness and remain without a roof over their heads. Still remains without a roof over their head. Another failed promise. So they guaranteed employment to the rural poor under MNREGA, but failed. As I said, not a penny has been allocated for Bengal in the last 3 financial years following BJP's embarrassing defeat in the 21 assembly elections. So they guaranteed to turn bullet trains into a reality by 2022. Failed again. Now the deadline
has been conveniently shifted and postponed to 2026. Sir, 1 kilometer of bullet train costs 200 crore. 1 kilometer of dedicated freight corridor, DFCs on the other hand, costs 25 crore. Sir, railway accidents today has become the order of the day. But the union budget presented yesterday makes no mention of rail safety or installation of anti-collision devices or kavach in the passenger trains. Guaranteed to double farmers' income by 2022, it failed. Actual growth staggers at 3%. At this rate, farmers can expect their incomes to be doubled by 2035 or 2040. Over 1 lakh persons involved in farming sector tragically took their lives between 2014 and 2022. Around 30 suicides every single day. So they guaranteed that no home would be without electricity or water by 2022. So they